जैन साथियों, तो आप लोगों के लिए बिहार पुलिस तमाम अभ्यर्थियों के लिए, सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं, कंपटीशन की दुनिया में जो भी भाई तैयारी करते हैं उन सभी के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने जो है, जिसका की फुल डिस्कशन करते करते लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तैयार होता है। तो चलिए एक बार पूरा आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, और आप लोगों को और आपके बीच में प्रिंस सर है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, और फिर अंत में आपसे मिलेंगे और पूछेंगे मजा आया कि नहीं आया। आप दसों पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आपकी आंखों से स्क्रीन पे डूबेगा, आप पेन जरूर रखिए, आप कॉपी जरूर रखें, 10 में देखिए कि आप कितना सही कर पाते हो। साथ ही साथ जो ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, चारों ऑप्शन जब इसका डिस्कशन कराया जाए तो जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको नोट करते जाइए, अन्यथा आप लोग अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं और ऑप्शन हैं, आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें। सारे ऑप्शन का अलग अलग एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा ऑप्शन डाला गया है जिसका एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में पहली बार कहां हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में पहली बार कहां और कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर होगा बांकीपुर 1912। बांकीपुर पटना में ही है, वहां पर अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर एन माधोलकर। क्वेश्चन पूछेगा कि बांकीपुर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आर एन माधोलकर, ठीक है। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में, ठीक है। अब आते हैं अगला ऑप्शन पर। देखिए, अगर पूछेगा कि बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, तो गया। कब हुआ था? 1922। इसके अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो चित्तरंजन दास, ठीक है। आपको कितने क्वेश्चन हो गए? 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। क्या पूछेगा? बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हुआ? 1922। उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेलगांव। आप लोगों को पता होगा, या तो मैं बता देता हूं, कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की एक ही अध्यक्षता, एक ही बार अध्यक्ष बने थे, वो है बेलगांव। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। आपको क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? बेलगांव। कहां पर है? कर्नाटक में। कब किए थे? 1924, महात्मा गांधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है कानपुर। कानपुर भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, कहां बनी थी? कानपुर के अधिवेशन में। कब? 1925 में। भारत की पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा, आपको बता दे रहे हैं, अगर सिर्फ महिला पूछेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब की थी? 1917 में। कहां की थी? कलकत्ता का अधिवेशन। आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना होगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की भारतीय पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कब? 1925। कहां? कानपुर। एनी बेसेंट 1917। कहां पर? कलकत्ता। कितने क्वेश्चन बने?
दस से बारह क्वेश्चन बने ना, पेन पेपर लेके बैठिएगा और आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, कब बना। तो सबसे पहला ऑप्शन आते हैं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी, कलकत्ता, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, कब किया गया था बंगाल विभाजन, 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था, पहला क्वेश्चन, 19 जुलाई 1905 को, कि बंगाल को दो बराबर भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी कब से होने वाला था, कब से होने वाला था बताइए, कोई जानते हैं, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। कितने क्वेश्चन बने, बंगाल विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन, कब घोषणा किया था, 19 जुलाई 1905, प्रभावी कब से होने वाला था, 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है। तो बंगाल का जब विभाजन हो गया उसके बाद 1911 में, कब 1911 में 22 दिसंबर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग उस समय दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, कब किया, 22 दिसंबर 1911 को, कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1911 को, ठीक है, घोषणा की हुआ था, ठीक है, उस दिन उसके बाद बनना दिल्ली स्टार्ट हो गया। अगला ऑप्शन आते हैं, इसका सही आंसर होगा क्या, उसके बाद इस घोषणा में और क्या कहा गया था, कि बंगाल से उड़ीसा बिहार को अलग कर दिया जाएगा, तो उसकी घोषणा कब हुई, 22 मार्च 1912। तो बिहार कब बना, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, 22 मार्च 1912, इसलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस, ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस। कितने क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछेगा कि बिहार कब बना, बंगाल से अलग होकर बिहार कब बना, 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट ऑप्शन 1907, अब इसको देखते हैं, 1907 में क्या घटना घटा था, 1907 में घटा क्या घटना घटा था, इस समय सूरत का अधिवेशन हुआ था, सूरत का कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, इस समय नरम दल और गरम दल में झगड़ा हो गया था, बंटवारा, कांग्रेस का बंटवारा, नरम दल एवं गरम दल, आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो हम थोड़ा सा बता देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। गरम दल में कौन थे, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाल बाल बिपिन चंद्र पाल, और बताइए बताइए, लाल बाल पाल, ठीक है। और नरम दल में कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, दादाभाई नौरोजी, इन दोनों का विभाजन हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आइए संविधान से क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है, ठीक है। अनुसूची भारतीय संविधान में कितने हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, कितने अनुसूची थे, जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी, बाद में संशोधन होकर 4 और बढ़ाए गए, वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची।
अब इसमें 12 अनुसूची का एक्सप्लेन देते हैं, ठीक है, 12 अनुसूची का, ठीक है। पहला अनुसूची में क्या है, एक मिनट, पहला अनुसूची में क्या है, अनुसूची पहला में है संघ राज्य क्षेत्र का, संघ राज्य क्षेत्र का बंटवारा, कि भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कुछ कुछ चीजें बोलूंगा, सारा चीज लिखने का प्रयास मेरे बोलने पर आप लिख लीजिएगा। दूसरी अनुसूची में क्या है, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारे लोगों का पेंशन एवं वेतन, वेतन एवं पेंशन। तीसरी अनुसूची में क्या है, इन सारे पदाधिकारियों का शपथ, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उनका शपथ का वर्णन किया हुआ। चार नंबर में है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, कि कौन से राज्य में कितने राज्यसभा के सीट होंगे उनका बंटवारा, राज्यसभा का सीटों का बंटवारा, ठीक है। पांचवें नंबर में है एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। छह नंबर में है चार राज्य, चार राज्य आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो भी बांग्लादेश से सटे हुए चार राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों में बसे हुए जनजातियों का प्रशासन के बारे में उल्लेख है। कितने हो गए, छह, बचे कितने, छह। आगे बढ़ते हैं सातवां अनुसूची, सातवां अनुसूची में क्या है, सारा लिस्ट दिया हुआ है, संघ सूची शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, आठवां में क्या है, आठवां अनुसूची में है भाषा, मूल संविधान में कितने भाषा थे, 14, बाद में 8 को जोड़ा गया है, मूल संविधान में भाषा 14 थे, वर्तमान में भाषा कितने हैं, 22। वर्तमान में 22 हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया मूल संविधान में 8 अनुसूचित हैं, अब देखिए 4 अनुसूचित जोड़ा गया, कब कब जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है, भूमि सुधार से संबंधित विषय, भूमि सुधार से संबंधित विषय कब जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, नौवां अनुसूची जोड़ा गया। अब आते हैं दसवां अनुसूची, दसवां अनुसूची कब जोड़ा गया, इसमें क्या है, इसमें दल बदल कानून है, दल बदल, दल बदल कानून कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन, बावनवा संविधान संशोधन 1985,
ग्यारहवां अनुसूची में क्या है, ग्यारहवां अनुसूची में है पंचायत, कब जोड़ा गया है, 73वां संविधान संशोधन 1973वां संविधान संशोधन 1993। 12वां अनुसूची में क्या है, नगर पालिका, यह कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1993 में। आप लोग समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन एक था आपको 12 अनुसूची जितने भी संविधान में है 12 अनुसूची के बारे में आपको बता दिया गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, राज्यसभा में कौन से अनुसूची में था, अभी बताए थे चौथी अनुसूची में, ठीक है। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने का हमारा लक्ष्य है, ठीक है। 12 अनुसूची बता दिए, 12 अनुसूची में अभी कौन कोई भी अनुसूची का क्वेश्चन आएगा आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, अभी तक तो 20-25-30 क्वेश्चन हो गया होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सोच समझ कर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। अंग 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 मतलब ऑर्गन्स, ऑर्गन्स होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, त्वचा। आप लोग सोचिए यकृत का है नहीं बोल रहा है, यकृत यकृत ग्रंथि होता है, ग्लैंड। मानव शरीर के अगर पूछेगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, मानव शरीर के का सबसे बड़ा ग्रंथि, बड़ा ग्रंथि, तब बोलिएगा यकृत। यहां पर क्या बोला है, अंग बोला है, ठीक है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, सबसे बड़ा बोलेगा यकृत, सबसे छोटा बोलेगा पीयूष ग्रंथि। अग्नाशय क्या होता है, यह मिश्रित ग्रंथि होता है, शरीर में सिर्फ एक ही होता है, मिश्रित ग्रंथि पुल्ले बोलेगा मिश्रित मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। चारों ऑप्शन का डिस्कशन मिल गया, चारों को चार शब्द से नवाजा जाता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, छोटा पीयूष, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, और अंग पूछा तो त्वचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रा नहीं होता, मात्रा का मतलब क्या होता है, यूनिट, यूनिट किसका यूनिट नहीं होता है, आप लोग पढ़े होंगे 7 SI यूनिट, CGS यूनिट, तो किसका यूनिट नहीं होता है, तो सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, मास बाय वॉल्यूम, हिंदी में बोलते हैं मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और आयतन का क्या होता है, क्या मीटर क्यूब, इसका मात्रा हो गया ना, इसमें क्या पूछा है, नहीं होता है, ठीक है, इसका हो गया मात्रा। अब आते हैं बल, बल मतलब क्या होता है, ए बराबर फोर्स, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन त्वरण, फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, ए बराबर एम ए, ठीक है, एम का क्या हो गया केजी, और ए का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी हो गया इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मात्रा हो गया ना, दो का हो गया, दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। तीसरा ऑप्शन संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का क्या होता है केजी,
और इंटू वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसका भी हो गया, तीनों का हो गया, इसका नहीं होगा। अब इसका भी डिफिनेशन देते हैं, इसका इंग्लिश में होता है स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टू लेंथ। जैसे कि कोई भी चीज हम खींचेंगे तो डेल एल बाई एल, तो दोनों लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी क्या होता है मीटर, दोनों कट जाएगा, इसका क्या होगा यूनिट नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा विकृति। चारों समझ में आ गया, चारों का डिफिनेशन, चारों का ऐसा यूनिट, जब ऐसा यूनिट पता होगा तो आपको डायमेंशन निकाल सकते हैं। बीमा, बीमा जानते हैं ना, एम जीरो ऐसे, एल जीरो, टी जीरो, वन होता है ना, तो उससे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, ठीक है, तो चारों का चार आंसर है, ठीक है, इसका आंसर हो रहा है भीम द्वितीय ने, ठीक है, कब किया था 1178 ईस्वी में, सबसे पहले इसने यहां पर इस भीम द्वितीय से हारा था, उसके बाद क्या हुआ, तराइन का पहला युद्ध हुआ। अब पहला ऑप्शन आते हैं पृथ्वीराज चौहान, तराइन का पहला युद्ध, पूछेगा तराइन का पहला युद्ध कब हुआ 1191, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को। अब आराम से बैठे हुए थे पृथ्वीराज चौहान साहब, अब मोहम्मद गौरी तैयारी में था, तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जस्ट एक साल बाद। में इसमें किसने हरा दिया था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब मोहम्मद गोरी कैसे आया था उसके पीछे आप लोगों को कहानी पता होगा, और नहीं पता तो एक मिनट में बता देते हैं। जयचंद जो था भारतीय शासक था, जयचंद की बेटी को पृथ्वीराज चौहान शादी के मंडप से उठाकर लेकर चला गया था और शादी कर लिया था, जिससे नारुष्ट होकर जयचंद ने मोहम्मद गोरी से बोला कि तुम पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। इसके कहने पर पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, लेकिन इसको यह नहीं पता था कि इसको भी मोहम्मद गोरी मार देगा। इसके साथ कौन सा युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, कब हुआ 1194 में, मोहम्मद गोरी इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया, तीन ऑप्शन खत्म। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस लौटा तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ के गया था, बोला था क्या कि अब तुम इंडिया में, भारत में तुम शासन करना। इसने क्या स्थापित किया 1206 में, गुलाम वंश की स्थापना किया, संस्थापक कब किया 1206 ईस्वी में, और कब तक रहा गुलाम वंश 1290 में तक, ठीक है। चारों ऑप्शन का चारों डिटेल सॉल्यूशन मिल रहा है, आप लोग कृपया कर लिखते रहे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 1920, ठीक है। उससे पहले का घटना आपको बता देते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलें, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 में घटना हुआ था, कौन सा घटना, जालियांवाला बाग हत्या कांड, जालियांवाला बाग हत्या कांड, जिस पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी, ठीक है। इसी से नाखुश होकर महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में तो प्रारंभ हुआ, खत्म कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। इस दिन क्या घटना घटा था? आपको क्वेश्चन पूछेगा किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त किया था। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड। इसमें क्या हुआ था कि चौरा चौरी के लोगों ने थाना में घुसकर वहां के जितने भी सिपाही लोग थे सबको जिंदा जला दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड का पूछेगा। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। क्या पूछा? कब खत्म हुआ? 5 फरवरी 1922 को। उस दिन क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड। समझ में आ गया? अब अगला ऑप्शन आते हैं। 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन पूछा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। अगला ऑप्शन, 1930 में क्या हुआ था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। सारा ऑप्शन सोच समझ के बनाया गया है कि सारा ऑप्शन का कुछ क्वेश्चन एक बनेगा। ठीक है, आप लोग सारा ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा और लिखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चिल्का झील क्या है? समुद्र के पानी का, खारे पानी का लैगुन झील। खारे पानी का लैगुन झील। अगला ऑप्शन आते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील कहाँ है, तो मणिपुर। कौन सा झील है? लोकटक झील। लोकटक मणिपुर कहाँ है? आप लोगों को पता होगा, पूर्वोत्तर भारत में। सेवन सिस्टर है, उसी में मणिपुर है, जहां पर भी वर्तमान में बहुत सारा हिंसा हो रहा है, वहां पर कौन सा है? लोकटक झील। राजस्थान में कौन सा झील है? सांभर झील। भारत के सबसे बड़ा खारा पानी का झील है, यहीं से नमक बनता है, सांभर झील से। ठीक है, सांभर झील। जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? कौन सा झील है? उलर झील। उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठा पानी की झील। ठीक है, चारों समझ में आ गया? आप लोग नोट करते जाइएगा। इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। इसका आंसर उड़ीसा होगा, उड़ीसा में चिल्का झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? कौन है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। कहां है? उत्तराखंड में। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राम गंगा नेशनल पार्क। क्यों किया गया है? क्योंकि यह नेशनल पार्क राम गंगा नदी के बीचों बीच है। ठीक है, इसका वर्तमान नाम चेंज कर दिया गया। राम गंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, अब आते हैं अगला ऑप्शन। ऑप्शन ए, हेमिस नेशनल पार्क। आपसे पूछेगा
कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। यह एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए। गेंडा ठीक है लिख लिए। अगला देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां है? वाल्मीकि नेशनल पार्क अपना प्यारा बिहार में है। कहां पर है? बेतिया पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। आप अभी तक वक्त बिहार का सब एक ही नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहां है? बिहार में। ठीक है, चारों ऑप्शन समझ में आ गया, लिख लिए। आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन बने? 770। अंतिम क्वेश्चन, भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय काल कब था? पांचवी पंचवर्षीय योजना आप लोगों को पता होगा 1951 में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ और अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना हुआ। अगर हम आपको चाहेंगे तो 12 पंचवर्षीय योजना आपको एक लाइन से लिखवा देते हैं। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना एक लाइन से लिखवाते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61, तीसरा 1961 से 66। बीच में क्या हुआ था? 66 के बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था क्योंकि उस समय दो युद्ध हुए थे, 1962 का भारत और चीन युद्ध, 1965 का भारत और पाकिस्तान युद्ध। उसके बाद 3 साल योजना अवकाश था। क्या था? योजना अवकाश। उसके बाद एक एक साल का प्लान बनाया गया। कब से कब था? 1966 से 69 तक। ठीक है, अब जाते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ? 1969 से 74। पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक, क्योंकि यही एक पंचवर्षीय योजना जो 5 साल पूरा नहीं कर पाया था। ठीक है, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगा हुआ था, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, जिसके बाद उनका सरकार गिर गया था। उसके बाद कौन बने थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। और जब वो आए तो पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ आपसे पूछेगा कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जो पूरी तरह 5 साल नहीं चला, पांचवी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आया 2 साल का रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान अनवरत योजना। कब से कब? 1978 से 80। इसमें पूछेगा किसका सरकार था? जनता पार्टी का सरकार। प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की मौत होती है, फिर आते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। तो कितना हो गया था? 5 हो गया था। छठा नंबर का 1980 से 85, 7 नंबर 1985 से 90। अब आइए 1990 से 92 के बीच में भारत एकदम कंगाली के दौर में गुजर रहा था। फिर उसमें आया क्या आया था? 2 साल का अवकाश, 7 साल भर का। उसी समय पर उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह भारत में अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा से बनाए थे। एलपीजी रिफॉर्म हुआ था 1990 से 92, एक एक साल का बनाया गया।
सात हो गया, आठवां ये 1992 से कितना 1997 आठ हो गया, चार को अगला स्लाइड में बनाते हैं, नौ 92 से 97, 97 से 2002, दसवां 2002 से 2007, 11 2007 से 2012, अब 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, लेकिन बीच में ही 2014 में मोदी जी की जो सरकार आई और यो योजना आयोग को खत्म कर दिया, और 1 जनवरी 2015 से एक नई योजना लाए, नीति आयोग का गठन हुआ, 1 जनवरी नीति आयोग का गठन। कब हुआ? 1 जनवरी 2015। यही तक का आपका क्वेश्चन था आज का, बाकी सारा डिटेल्स आपको बता दिया गया है, आप लोग सारा चीज नोट कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको हर दिन आपको मिलेगा, दो दो वीडियो मिलेंगे, और क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय काल 1974 से 78, ठीक है। एक साथ 12 पंचवर्षीय योजना, एक साथ 12 अनुसूची आपको बता दिए। जय हिंद।